What's up guys? This is Guru Maan. ये है प्योर मैस डिनर मील और इसका नाम है सुपर रोटी। मैं रोटी के साथ एक रेसिपी आपको देने जा रहा हूँ और ये टोटल सुपर मील है मसल बिल्ड करने के लिए। और ये वेजिटेरियन मील है एंड नॉन वेजिटेरियन है, दोनों कैटेगरीज में मैंने कवर किया है, आपको बताऊंगा कैसे। नाउ एक्सरसाइज आपने जब की थी पोस्ट वर्कआउट, जो लोग शाम को एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए ये पोस्ट वर्कआउट मील है। ड्रिंक के बाद की जो मील है एक घंटे बाद आपने कंज्यूम करनी है। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो ये शाम का आपका डिनर हुआ। तो ये सुपर रोटी मील है, इसके लिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक रोटी चाहिए, 1 चपाती, होल व्हीट चपाती। और रेगुलर चपाती से इसका साइज आप बड़ा रखें। ये साइज है, दिस इज नॉर्मल साइज, तो आप चपाती का ये साइज हो थिन रखें, ज्यादा मोटी चपाती आप ना कंज्यूम करें। इसके अंदर लगभग 25 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है और अराउंड 4 से 5 ग्राम फाइबर। फाइबर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैंने बताया हो बहुत ज्यादा। तो एक चपाती चाहिए, उसके साथ हमें चाहिए 4 डिफरेंट वेजिटेबल्स है मेरे पास। ये मेरे पास है ग्रीन बेल पेपर, मतलब शिमला मिर्च, ये मैंने 1/3 चॉप की है, आप देख सकते हैं लगभग 3 या 4 स्पून। मेरे पास है कॉलीफ्लावर, मतलब गोभी, ये यहाँ पर आप मैंने 1/4 कप, मतलब 3 स्पून, 3 से 4 चम्मच। ज्यादा हो जाए थोड़ी सी कोई बात नहीं, डोंट वरी। वेजिटेबल्स को एक्चुअली मैं कैलोरीज में काउंट नहीं करता हूँ, बिकॉज वी नीड दीज अमाउंट ऑफ फूड, दीज कैलोरीज इन अवर डाइट, इसको आप मैक्रोस में काउंट ना करें। उसके साथ हमें चाहिए 2 स्पून्स टोमेटोज, उसके साथ 2 स्पून्स रेड अनियन। 4 वेजिटेबल्स हैं हमें चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए काले राजमा, ब्लैक बीन्स। आप यहां पर लाल राजमा भी यूज कर सकते हैं, मतलब रेड किडनी बीन्स। सो काले में थोड़ा फाइबर ज्यादा है, अगर नहीं मिले नो प्रॉब्लम, रेगुलर राजमा है जो, उसको उसका इस्तेमाल करें। कितने चाहिए? ये मेरे पास ऑलमोस्ट 1/2 कप, 2/3 कप मैंने यूज किया है। और इसके बाद हमें चाहिए 1 ऑरेंज, वी नीड विटामिन सी। अब देखेंगे ऑरेंज की रेसिपी मैं कैसे इसमें ऐड करता हूं, यू विल लव इट। नेचुरली नॉन स्टिकी स्प्रे, वी नीड टोमेटो केचप, सॉस चाहिए 1 स्पून, डेफिनेटली सॉल्सा। सॉल्सा इंडिया की मार्केट में है, आप घर में रखें, हमें 1 और 2 स्पून सॉल्सा चाहिए। और सॉल्ट पेपर, दैट्स इट। अब जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो यहां पर ग्रिल्ड चिकन ऐड करें, 100 ग्राम्स ग्रिल्ड चिकन। मैंने ये जो रेसिपी आप बना रहा हूं ये वेजिटेरियन रेसिपी है। किस तरह से आप मसल बिल्ड कर सकते हैं वेजिटेरियन रेसिपी से? ये पोस्ट वर्कआउट मील है और आपको बहुत ही जरूरी है कि आपको यहां पर सारे इंग्रेडिएंट चाहिए, मतलब प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। नाउ फैट में आपको मैं बताना भूल गया, ऑलिव ऑयल। यहां पर हमें 1 स्पून ऑलिव ऑयल चाहिए फैट के लिए, ऑलिव ऑयल फैट के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास चपाती है, रोटी, कार्बो वहां से कंज्यूम कर रहे हैं, वाइटामिन्स मिनरल्स हम कंज्यूम कर रहे हैं ऑरेंज से, उसके साथ वेजिटेबल से, और बीन से हम भी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर्स कंज्यूम कर रहे हैं एंड प्रोटीन, राइट। और जो लोग वेजिटेरियन हैं आप यहां पर 100 ग्राम चिकन ऐड कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारी ये रेसिपी। सो यहां पर हमारा जो पैन है मैंने हीट किया, वो पैन गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है नॉन स्टिकी स्प्रे यूज करें आप, जिससे आपको ऑयल का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूज नॉन स्टिकी स्प्रे। अब सबसे पहले हम इसके अंदर 2 वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, बेल पेपर और उसके साथ गोभी। अब इसको कुक होने में लगभग 5 मिनट का टाइम लगेगा, हमने ध्यान रखना है कि ज्यादा देर तक कुक नहीं करना। हमें यहां पर ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे यहां पर जो वेजिटेबल्स है ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम बीन्स ऐड करेंगे, काले राजमा या रेगुलर लाल रंग के राजमा आप यूज कर सकते हैं। इसको दोबारा मिक्स करें अच्छी तरह से। अब इसके अंदर आप टोमेटो एंड अनियंस ऐड कर दें। अब आप इसके अंदर सॉल्ट पेपर,
ध्यान रखिए आपने ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज्यादा सॉल्ट पेपर का इस्तेमाल आप कम करें, इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है। और यहां पर हमें चाहिए 1 स्पून साल्सा। अब 2 स्पून साल्सा ऐड करें, मिक्स करें दोबारा इसको। अब लास्ट स्टेप है, आप यहां पर ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। वन स्पून ऑलिव ऑयल और यहां पर हमारा टॉपिंग जो है वो रेडी है। गैस बंद करो एंड दैट्स इट। अब ये रोटी बिल्कुल गर्म है, ये बिल्कुल फ्रेश एंड गर्म रोटी है। अब इसके ऊपर आप को ऐड करेंगे। इसके बाद आप यहां पर केचप ऐड करेंगे। अब हमारा लास्ट पार्ट है ऑरेंज। ऑरेंज को आप यहां पर चॉप करें। अब ये ऑरेंज को आप इसके ऊपर ऐड कर दें। मील इज रेडी। सो हमारी यहां पर मील रेडी है। सो मैं आपसे वादा करता हूं, यू गाइस विल लव दिस मील। इसके अंदर आप और क्रिएटिव होना चाहते हैं तो आप इसके अंदर व्हाइट चने या ब्लैक चने ऐड कर सकते हैं नेचर कुक करने के बाद। सो आपने देखा मैंने यहां पर ऑयल से कुक नहीं किया और बनने के बाद मैंने 1 स्पून ऑलिव ऑयल उसके ऊपर टॉपिंग ऐड की है फॉर हेल्दी फैट। मैं नहीं चाहता हूं कि जो ऑयल है वो बर्न हो और वो ऑयल बर्न होने के बाद ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है विच इज अनहेल्दी फैट। वो अनहेल्दी फैट में कन्वर्ट होता है एंड कॉज कैंसर लेटर ऑन। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं लाइफ में। तो मसल बिल्ड की ओनली मसल बिल्ड और फैट लॉस की बात नहीं है, स्टे हेल्दी। आपके अंदर जो मशीनरी है बॉडी के अंदर, हार्ट, लंग, किडनी, लिवर, ये हेल्दी होने चाहिए, राइट? तो कैसे हेल्दी होंगे? प्रोटीन से नहीं, कार्ब से नहीं। ये बहुत जरूरी है कि आप जो ऑयल है उस पर ध्यान रखें, शुगर पर ध्यान रखें, अपने सॉल्ट पर ध्यान रखें। ऑलराइट, सो यू गाइस विल लव दिस रेसिपी। ये है सुपर रोटी। और जो मेरी नेक्स्ट मील है गाइस, दैट इज अ बिफोर बेड मील, लास्ट मील ऑफ द डे। और आपको मालूम है ये वेज एंड नॉन वेज दोनों लोगों के लिए प्रोग्राम है। ऑलराइट गाइस, दिस इज गुरुमान प्योर मैस। Take care. Bye-bye.